गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप साहब। उम्मीद करता हूँ आप साहब खैरियत से होंगे और खुदाए बुजुर्ग बरतर आप सबको हमेशा खुशोखुरम रखे, हंसते मुस्कुराते आबाद रहिए। तो आज मैं आपको करवाऊंगा जी गांव की हमारी खूबसूरत सैर करवाऊंगा, आपको मुख्तलिफ विजिट करवाऊंगा, जगहों की सैर करवाऊंगा, घोड़ीपुरा जो है मुरब्बा वो दिखाऊंगा और इसके साथ साथ आपको क्या दिखाऊंगा, गांव के खूबसूरत नज़ारे किस तरह के होते हैं। बहुत ही इंजॉयबल माहौल होता है यहाँ का, यानी कि तुहानू फुल 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 मज़े करवाएंगे जनाब आपको गांव के खूबसूरत नज़ारों के, और साथ साथ आपको दिखाएंगे फसलों में क्या 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 चीज़ें हैं। एज ये थोड़ा सा इस साइड पे घुमाना, बस ये आ गया मीठा भाई। हाय 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 हाय, पकड़ो 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 पकड़ो, ये मीठा जाल खेल रहा है बच्चा लोग। मीठे दे देखो, ओए ओए ओए, चले आपके साथ दूसरे ब्लॉग्स भी शेयर करता हूँ। तो यहाँ से आप मेरा पूरा गांव भी देख सकते हैं और ये हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी, बड़ा मज़े का माहौल होता है। तो हम तो खैर जनाब ये देखें, वो जो घोड़ीपाल मुरब्बा पीछे मैं शेयर करके आया हूँ, ठीक है वो है। तो दूसरी तरफ वो बागात, इसका भी मैंने व्लॉग्स आपके साथ वो है शेयर किया हुआ है, वो अभी माल्टों का, माल्टे खैर सीजनल वो तो आ रहे हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो जो दूसरा नहीं है वो मैंने आपके साथ शेयर करा, इसके साथ माल्टों का, बेरी का, अमरूद का मुख्तलिफ था वो मौसम, खैर वो था। मीठा भी हमारे साथ खेलने आया जना, क्या ये देखो ये कह रहा है जब 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 मीठे बगो 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 बगो। मीठा और जारी भी खेल रहे अपने मज़े कर रहे हैं। अच्छा ये पिछली दफ़ा मैंने आपको बताया सरसों, सरसों यानी कि सरसों का तेल जिसे निकलता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके बाद जनाब ये गन्ने, गन्ने बीजे हैं, ये आप ये देख रहे हैं ये गन्ने हैं, लेकिन वो थोड़े से बड़े हो चुके हैं। पीछे आ जाओ। अच्छा वो जनाब अभी मकई की फसल, मकई बीज दी गई है आपके साथ, वही जो रूटीन वाली चीज़ें हैं वो शेयर कर, बगले शगले बैठे हुए हैं, मज़ा आ रहा है जनाब आपके साथ अच्छा शेयर करके। अच्छा दूसरा 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 मैं आपको जारी कह रहा, हाँ जी जारी क्या दिखाऊँ। अच्छा ठीक है, ये जनाब कहता खाला भी चेक कराओ जी, खाला भी चेक करा दिया। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट एंड व्लॉग, अच्छा गाँव में बिलीव दैट वाकई बहुत मज़ा आता है, शहरों की ज़िंदगी भी अच्छी है लेकिन गाँव की एक अपना माहौल है। ये है सरसों, एक दफ़ा पहले मैंने तेल का भी लोग अपना ऐड किया था कि कोल्हू से तेल किस तरह निकलता है, ये होती है इसकी सरसों, सरों जिन्हों बोलने सी, और ये भी छोटी है, जैसे ये बड़ी हो जाएगी, अच्छा जैसे ये बड़ी हो जाएगी, बड़ी होकर किस तरह की बनेगी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी वो पौधा पूरी तरह पक्का हुआ नहीं है लेकिन ये जो है वो पक चुका है, इसकी सरसों ये देखें, ये कच्ची सरों है। ये देख, तो ये हरियाली मैं आपको दिखा रहा हूँ, साथ ही ये घोड़ीपाल मुरब्बा जहाँ पर लोग देखें इस तरह बैठे हैं, वो सामने घोड़ीपाल मुरब्बा, ये सामने घोड़ी खड़ी हुई है, पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया था घोड़ी, खूब मज़े के साथ चारा जनाब चल रही है। आए मैं आपको गुलहरी भी दिखाता हूँ, वो देखें ये भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये है जी घोड़ीपाल मुरब्बा हमारा, तो ये जनाब इस घोड़ी के बलबोते जनाब सारा गांव के तकरीबन 25 एकड़ जो है वो ज़मीन जो है वो ये मेरे नज़दीक आ रही है, कहीं हमला ना कर दे किसी किस्म का। ये अंग्रेज़ दौर से घोड़ीपाल मुरब्बे जो है वो
ये चाह रहे थे, ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है। फिर है ये है, अब ये तो खैर उचरा उचरा से थोड़ा सा मॉल है। ये देखिए इसे कहते हैं बोर्ड का दरख्त, बोर्ड का दरख्त भी छोटा सा डेरा। अब ये उजड़ा फुजड़ा सा हो गया है। खैर आगे चलकर आपके साथ व्लॉग्स भी शेयर करते हैं। तो ये आगे पक्के बेरियों के बेर, ये बेरी बेर लगते हैं काफ़ी अच्छे वाले, लोग फ्री में खाते हैं, गांव में तो जनाब परचेज़ करने पड़ते हैं। सो ये नज़ारा है, आप खूबसूरत देख सकते हैं। वो मैंने जब लास्ट अपना व्लॉग्स मैंने शेयर किया था आलू का व्लॉग, लेकिन अब आलू जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन नेक्स्ट सन व्लॉग जो है, अब जनाब कणका का मौसम आ गया जनाब, यानी कि गंदम की कटाई का मौसम अभी आफ्टर कह लें 2 से 3 मंथ्स जो है वो। तो इसके बाद यहाँ हमने भी तकरीबन 2-3 एकड़ ज़मीन ठेके पर ली रखी थी, लेकिन अब हमने छोड़ दी है क्योंकि हमें तो काम करने आता, बाबा लोग वो करते रहे। ठीक है, अच्छा ये आगे जनाब कनका ने जनाब सिट्टे निकल आए हैं जनाब, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें इसमें जो है वो सिट्टे यानी कि पड़ने शुरू हो चुके हैं, साथ में जनाब मच्छरों की भी भरमार हो चुकी है। इसके सिट्टे गंदम का ये सिट्टा निकल आएगा, अभी अभी तो ग्रीन है जनाब, ये देखें ठीक है। अभी इसको सिट्टे पड़ने स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी गंदम छोटी है, अभी इसको पानी शानी भी लग रहे हैं। तो साथ में ये आपको नज़र आ रही होगी कच्ची सरसों, ये देखें, ये देखें इस तरह की हो जाती है। तो ये पककर जब ये पक जाएगी तो फिर इसको ना झाड़ लिया जाता है, झाड़ने के बाद। अच्छा मैं एक और चीज़ आगे बीज रखी है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। वो क्या चीज़ है, ओ हो जनाब हरा प्याज, हरा प्याज आपने देखा, हाँ हाँ मज़े की खुशबू आ रही है भाईजान, मज़े की खुशबू कह लें, आ रही मज़े की खुशबू हरा प्याज। ये जो चिकन फ्राइड राइस में हम डालते हैं हरा प्याज, ये देखें हरा प्याज आपको, ये देखो जी हरा प्याज, हरे प्याज की बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। खैर ये मैं आपके साथ हरा प्याज चिकन फ्राइड राइस वगैरह वगैरह में ये ऐड किया जाता है जो हम रेस्टोरेंट में इस्तेमाल करते हैं, आपको पिंडों में भी दिखा रहा हूँ, पिंडों में जनाब गाँव में दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये प्याज है, तो ये काफ़ी मकदार में, ये देखो वो लास्ट तक भिजा हुआ है। अब आप पूछेंगे ये क्या चीज़ है, ये जनाब ये मुझे भी नहीं पता ये क्या चीज़ है, ये ग्रीन ग्रीन कलर सोमी आ की चीज़ है, तैनू नहीं पता, खेत है पिंडा च रहने अपना। अच्छा जनाब इसका खुशबू बड़ी अच्छी आ रही, लेकिन पता नहीं है हमें क्या चीज़ है। वो जा रहा है जी, पिछली वीडियो में भी मैंने दिखाया था, क्या बात है जी, अगे मोटरसाइकिल तो पीछे गड्ढा जोड़िया उन्हें, क्या बात है। वो जा रहा है, वैसे इस उर्दू में रेवड़ कहते हैं, असं कहने बकरियां का झुंड जा रहा है जनाब। तो इसी के साथ मुझे जैरी को, सोमी को और मिठी को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, और हमारे चैनल इरफान भट्टी ब्लॉग्स को, हमारे चैनल इरफान भट्टी ब्लॉग्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, इस तरह के अच्छे अच्छे गांव के ब्लॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।